अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं साहब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी क्योंकि व्लॉग बहुत ही लेट हो रहा है, तो ईद की भी गुजर गया तो नहीं व्लॉग बना सका, बस कुछ है था काम, तो आज बना लिया व्लॉग। तो आज फैमिली टूर है, ईद का तकरीबन चौथा दिन था, तो जी फैमिली टूर का प्लान बन गया। आज तो डिसाइड हुआ है जी जाएंगे मंगला रिजॉर्ट और उसके बाद किला रोहतास, तो आप जा निकल गए हैं जी। तो आपको साथ व्यू भी दिखाते हैं। और माशाल्लाह आज मौसम साथ साथ बहुत ही प्यारा बना हुआ था, बादल ही बादल थे और बारिश भी आस्ता आस्ता धीमी धीमी लगी हुई थी, तो जिसकी वजह से मौसम और ही मज़े का हो गया है। तो बेसिकली मैंने मंगला व्यू रिज़ॉर्ट का ब्लॉग बनाया था लेकिन उस तरह से नहीं बनाया था, तो आज फुल क्लियर बना रहे जा रहे हैं। और आज देख लीजिए मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और ये मंगला व्यू रिज़ॉर्ट बेसिकली मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ही आता है, ये मंगला कैंट से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो ये मीरपुर पूरा आज़ाद कश्मीर के साथ ही अटैच होते हैं, मतलब कि एक रोड जाती है मीरपुर की तरफ और दूसरी मंगला की तरफ। तो फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं मंगला व्यू रिज़ॉर्ट पे। तो अभी फ़िलहाल रश नहीं था क्योंकि अभी सुबह सुबह गए थे, तो अभी फ़िलहाल इतना रश नहीं था, तो मौसम भी चेक करने साथ बहुत बेहतरीन हुआ हुआ है। बादल ने मौसम और ने ना व्यू को तगड़ा बना दिया। तो जी ये है जी मंगला डैम का टॉप से व्यू। तो मंगला के जो सामने है वो मीरपुर आ जाता है, तो मीरपुर और के मंगला व्यू रिजॉर्ट के दरमियान मंगला डैम है, मतलब ये दोनों बस उसका इतना ज़्यादा दूर नहीं है। क्या बोलिए
अभी कुछ नोटिस किया आपके? जब पिछली बार आए थे तो यहाँ से हमने देखा था बस यहाँ से मोड़ पे, तो आगे से आगे फुल कवर था, लेकिन अभी इन्होंने थोड़ी सी जगह बना ली है, 3-4 माह बाद आए हों मेरे ख्याल से, तो अभी इन्होंने फिलहाल और जगह बना दी है साथ, और इसके ना आगे पार्किंग का सिस्टम करते हैं, मतलब कि आप गाड़ी नीचे फुल जा सकती है। तो अभी आप नीचे जा रहे हैं और अभी देखते हैं जी आपको बोट पर जाएंगे और आपको पहाड़ों का व्यू भी दिखाते हैं, तो वीडियो के साथ ही रहिएगा। तो साथ ही अपनी भी थोड़ी सी बनाते हुए वीडियो पहाड़ों के साथ। तो बोट को उस तरफ नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि वहाँ का दबाव बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से इधर ले आए थे। तो इसके साथ ये नई चीज़ ये है जी, जंगली कबूतर का घर है ये, जंगली कबूतर का यहाँ पे जी, बहुत से एक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा घर थे जंगली कबूतर थे, जो हम होते हैं जो घर पे पालते हैं, लेकिन ये जो जंगल वगैरह में ना इन्होंने घोंसले बनाए हुए, घर बनाए हुए अपने। इधर मुझे तो नजर आ रही है, इधर तो कितनी मछलियां हमारे पास, हां ये बहुत मछलियां नजर आ रही है इधर, इतनी इतनी मोटी मछली है। हां पर तू आप अपनी नजरों से देखे आप आपने पास जाओगे नहीं, आप पार अभी हम ना वापस जा रहे हैं, बोट खोला हो गई है, तो अभी जा रहे हैं खाना खाने बट कर, उसके बाद फिर हम आ गया जी किला रोहतास, इसका भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, तो बस मेरे चलो हल्के इसके दिखा दें ईद का माहौल, बताते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। तो ईद में अभी रश इतना मौसम के लिहाज से ज़्यादा था, मतलब कि मौसम अच्छा था तो ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो जी ये था जी किला रोहतास का व्यू, तो यहीं तक जी आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट। दिस इज द फ्यूचर।